A very warm welcome, I'm Anubhuti और आप हैं Coin Switch के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आजकल तो सब जगह क्रिप्टो की चर्चा चल रही है। तो क्या आप भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? लेकिन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या हुआ, आप सोच रहे हैं कि अब ये बातें कौन बताएगा? तो चिंता मत करिए, हम बताएंगे। हम इस पूरे वीडियो में यही बात करेंगे और आपको बताएंगे वो सारी जरूरी चीजें जो क्रिप्टो इन्वेस्टिंग से पहले आपको पता होनी चाहिए। पर उससे भी पहले एक काम करना है, आपको कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहां पर क्रिप्टो इन्वेस्टिंग का सारा ज्ञान मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले साल क्रिप्टो जितना फास्ट बढ़ा है, किसी को भी लालच हो सकता है। हमेशा लगता है थोड़े और पैसे लगाता तो अभी तक कितने बढ़ जाते यार। ऐसे में लोग जरूरत के पैसे भी बिना सोचे लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस का प्रीमियम, कॉलेज की फीस वगैरह। वो सोचते हैं कि एक साल की कॉलेज की फीस 4 साल जितनी हो जाएगी, पर लॉस हुआ तो इस साल की भी फीस भरनी भारी पड़ जाएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो बाकी एसेट से काफी फास्ट बढ़ता या गिरता है, मतलब यहाँ वोलेटिलिटी ज्यादा है। जब आपको जरूरी खर्चे के लिए पैसे चाहिए हो और अगर तब क्रिप्टो मार्केट गिर गया तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले नेक्स्ट ईयर के जरूरी एक्सपेंसेस का पैसा अलग रखते। उस पैसे पे चाहे कितना भी रिटर्न मिल जाए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्रिप्टो दूसरे मार्केट से नया है और यहाँ समझने को बहुत कुछ है। ट्रेडिंग, ब्लॉकचेन, डेफी और एनएफटी जैसी बहुत सी चीजें हैं। अब अगर नया इन्वेस्टर होगा तो उसको अकेले सब समझने में मुश्किल हो सकती है और आप शुरू शुरू में थोड़ा लॉस भी फील कर सकते हैं। इसलिए कुछ अच्छी क्रिप्टो कम्युनिटीज ज्वाइन करें जहां और भी इन्वेस्टर्स हों। वहां डाउट्स क्लियर करना और नया सीखना इजी हो जाता है। कुछ लोग ऐसी कम्युनिटीज थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं क्योंकि पहले वो सब खुद ही समझने की कोशिश करते हैं। अगर लॉस हो जाए फिर कम्युनिटी में आके सीखना चाहते हैं, तो इससे अच्छा है कि पहले दूसरों की गलतियों से सीख लें और फिर खुद इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, इन कम्युनिटीज में कभी कभी कोई फ्रॉडस्टर्स भी हो सकते हैं, तो उनसे बचकर रहें। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप इन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, जो आपको यहाँ मिलेगी। तो एक बात आपको बता दें कि कॉइन स्विच कम्युनिटी में नए इन्वेस्टर्स को इजिली हेल्प मिलती है। आपके जैसे हजारों इन्वेस्टर्स रोज डिस्कशंस करते हैं। हमने कॉइन स्विच के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बुल मार्केट में नए इन्वेस्टर्स को शुरू में पैसा बनाना इजी लगता है। ऐसे में कुछ लोग शुरू से ही काफी बड़ा अमाउंट ट्रेड करने लगते हैं, तो मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है। थोड़े टाइम बाद बिगिनर्स लक खत्म होते ही लॉसेस होने लगते हैं। पेपर ट्रेडिंग से ये अवॉइड हो सकता है, तो कॉइन स्विच ऐप डाउनलोड करो, पर इन्वेस्ट करने से पहले एक एक्सेल शीट बनाओ। कॉइन स्विच ऐप से कॉइन्स पे रिसर्च करो, जो कॉइन में पोटेंशियल लगे उसकी डिटेल्स जैसे प्राइस, एंट्री का टाइम और डेट, ट्रेड एंटर करने का लॉजिक वगैरह एक्सेल में नोट कर लो। फिर कॉइन स्विच ऐप में उसे ट्रैक करो, देखो कि आप सही भी थे या नहीं। हर 15 दिन में एक्सेल शीट अपडेट करते रहो, इससे आप बिना कोई रिस्क लिए अपनी रिसर्च को टेस्ट कर पाओगे और कॉइन्स की मूवमेंट भी जल्दी समझ आ जाएगी। दोस्तों, कॉइन स्विच एक क्रिप्टो ऐप है। हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग बड़े अमाउंट से ट्रेड करें, पर फिर भी आपको बोल रहे हैं कि शुरू में बड़े अमाउंट से ना ट्रेड करें। जो एक्चुअल ट्रेडिंग की कुछ बातें पेपर ट्रेडिंग में पता नहीं चलती, फॉर एग्जाम्पल बाय सेल पेज के सब ऑप्शंस, लिमिट ऑर्डर लगाना वगैरह जैसी चीजें। वैसे कॉइन स्विच ऐप में ये बहुत इजी है, पर फिर भी छोटे अमाउंट से पहले ट्राई करना चाहिए। कॉइन स्विच ऐप में आप ₹100 से क्रिप्टो का बाय सेल शुरू कर सकते हैं। इससे पूरी ऐप भी समझ आ जाएगी और बाद में बड़े अमाउंट से कुछ अनएक्सपेक्टेड भी नहीं होगा। पर इसके लिए कॉइन स्विच ऐप तो चाहिए ना। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए।
आजकल हर जगह अकाउंट बनाने में ईमेल आईडी लगती है। काम के ऐप से लेके गाने सुनने तक सब ईमेल से लिंक्ड है और ईमेल इनबॉक्स में नई ईमेल्स की बाढ़ आती रहती है। पर डेटा ब्रीच इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। ईमेल से लिंक्ड कोई दूसरे अकाउंट का डेटा मिल जाए तो कोई भी आपके ईमेल तक पहुंच सकता है और फिर स्पैम या फ्रॉड मेल्स भेजकर आपको परेशान कर सकता है। इसलिए क्रिप्टो के लिए अलग ईमेल आईडी बनाना सही होता है। इससे दूसरे अकाउंट में दिक्कत होने पे भी क्रिप्टो सेफ रहेगा और आपका ईमेल इनबॉक्स अगर थोड़ा खाली होगा तो प्राइस अलर्ट्स जैसे अर्जेंट मेल्स इजीली ढूंढ पाएंगे। सुनने में तो ये छोटी सी बात लगती है पर दोस्तों बाद में काम आती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने दोस्तों को देखकर क्रिप्टो में आते हैं, वो उनको फॉलो करने लगते हैं। उनके जितना पैसा लगा देना वही कॉइन्स खरीदना बहुत कॉमन है। दोस्त आपका भला चाहते हैं पर सबकी रिस्क कैपेसिटी अलग होती है। उनको कभी भी एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना चाहिए क्योंकि आप दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अलग हो सकती हैं। पर लोग स्टार्टिंग में तो यूजली ये सब सोचते ही नहीं है, फिर लॉस आपको होता है दोस्त को नहीं। जब आपको प्रॉब्लम होती है तब रियलाइज होता है। इसलिए आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है वो इन्वेस्ट करने से पहले ही समझ लीजिए। इनिशियली क्रिप्टो में कितना पैसा लगाना है ये भी डिसाइड करना होगा। दोस्त से सीखते रहें पर अपनी सिचुएशन को समझकर ही इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो का मार्केट काफी वोलेटाइल है, प्राइस बहुत ही फास्ट बढ़ते और गिरते हैं। दूसरे मार्केट्स में ऐसा रिलेटिवली कम होता है, इसलिए वहां का एक्सपीरियंस उतना काम नहीं आता। अगर स्टॉक मार्केट के प्राइस मूवमेंट की आदत हो भी जाए तो क्रिप्टो के लिए वो काफी नहीं है क्योंकि क्रिप्टो में मूवमेंट्स उससे भी फास्ट होते हैं। उसके लिए मेंटली तैयार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी के जितना ही इंपॉर्टेंट है। बड़े प्राइस मूवमेंट से बाद में परेशानी हो उससे बेटर है पहले ही इमोशनली प्रिपेयर रहो। इसमें कुछ बातें हेल्प करती हैं, जैसे खुद की रिसर्च करना। अब अगर प्राइस गिरे भी तो उतने परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपको अपनी रिसर्च पे भरोसा रहेगा। इसके अलावा शुरू में लार्ज कैप कॉइन्स में ही इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करने जैसी बातें भी परेशानी कम कर सकती हैं। तो हमने आपको क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो बताया, पर हम आपको हर स्टेप पे गाइड करते रहेंगे ताकि अपनी क्रिप्टो जर्नी में आपको कोई दिक्कत ना हो। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कॉइन स्विच का यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है ना। अभी तक नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन। तो अगर आपको सब समझ आ गया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर। क्रिप्टोकरेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, ना कि वैध मुद्रा, इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइन स्विच किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।